नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उधमपुर में देवल पुल के नजदीक ध्वस्त हुई सड़क की मरम्मत का काम आज युद्धस्तर पर जारी है। सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर को तोड़ने के लिए हटाने के लिए बारूद का सहारा लिया जा रहा है। मशीनों से बोल्डर तोड़ने में पेश आ रही दिक्कतों के चलते उन्हें बारूद की मदद से ब्लास्ट किया जा रहा है। इसे भी गनीमत ही कहा जाएगा कि आज मौसम साफ होने के कारण इस काम में कोई बाधा नहीं आई। प्रशासन और यातायात पुलिस ने हाईवे पर सफर करने वालों को फिलहाल यात्रा पर ना निकलने की सलाह दी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण डोडा और किश्तवाड़ के लिए भी जम्मू से आज किसी भी गाड़ी को रवाना नहीं किया गया। देखिए, जो कल 10:30 बजे लैंडस्लाइड आया था, ये दीवाल ब्रिज इस जगह को कहते हैं, ये तकरीबन उधमपुर टाउन से कोई 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इन बिटवीन उधमपुर और चनैनी है, इसके बीच में पड़ता है। कल ही तकरीबन अभी जब मशीनें ने उन्हें लगाई थी, अभी तक काम करते उनको तकरीबन 24 घंटे हो गए, लेकिन जो पेस ऑफ वर्क है या जितना यहाँ मटेरियल है उससे नहीं लगता कि आज भी ये खुलेगा, क्योंकि जब मटेरियल निकालते हैं तो बड़े बड़े बोल्डर हैं, उन बोल्डरों को होल करना पड़ता, ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। देखिए, मैंने कल भी जैसे बताया था कि आज भी इसकी कोई खुलने की संभावना नहीं है। लोग सेफ जगह पर रहें और जब हाईवे खुलेगा तभी अपना आगे का जो सफर है उसको चल करें। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा देने वाले और देश को एक सूत्र में पिरोने की बात करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनके 79वें बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में उनकी याद में स्थापित किए गए भव्य प्रतिमा स्थल पर हर साल की तरह इस बार भी भाजपा ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय मुखर्जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना व अन्य नेता भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय मुखर्जी के दो प्रधान और दो निशान को खत्म करने की जद्दोजहद करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया। वो प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें सतत संघर्ष किया, प्रयास किया और बिलाकर 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर से अलग विधान और अलग से निशान समाप्त करके जम्मू कश्मीर का पूर्ण तरीके से भारतमय कर दिया गया, अलग से निशान और अलग से विधान समाप्त हो गया, अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा है, सिर्फ भारत का कानून है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन सपनों को पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब एक प्रचंड राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे जो देश के लिए जिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले मुखर्जी जी ने पूरे भारत का भ्रमण करके एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उधर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में आज भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय मुखर्जी को नमन करते हुए उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जम्मू में भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया, बिश्नाम में पार्टी नेता अश्विनी शर्मा व आरएसपुरा में आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कृष्ण चौधरी की अगुवाही में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा था कि 370 तोड़ेंगे और खासकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह बंगाल से उठ के आए थे कि मैं एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, ये नारा था और उन्होंने कहा था जब संविधान लूंगा जब बलिदान दूंगा और उन्होंने अपना बलिदान दिया संविधान के लिए और लगातार पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद कार्यकर्ताओं के बाद एक दिन 370 टूटा और 370 टूटने के बाद आज जम्मू कश्मीर सचमुच में भारत का अभिन्न अंग जिसकी बात करते हैं हम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए समर्पित था। आज गंग्याल वार्ड नंबर 56 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी जीवनी के बारे में हमने विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं ने चर्चा की है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को उनके पदचिन्ह पे चलना चाहिए जो उन्होंने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार थे, जो अपने देशभक्ति के लिए समाज के लिए किस तरह उन्होंने नेहरू की सरकार को छोड़ के और जम्मू कश्मीर में संविधान को लागू करने के लिए अपना बलिदान दिया था, आज उसको याद किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया था, आज उन्हीं को हमने नमन किया है, याद किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये
ये बलिदान जो है, ये देश जो है वो हमेशा याद रखेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश के अंदर ये एक पखवाड़ा जो है, आज पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्मदिन तक 6 जुलाई तक समाज सेवा के कार्य किए जाएंगे। आज 69वां बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर मना रही है, तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से उठ के जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट को ठुकराया और जम्मू कश्मीर की जनता को अपनाया और जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम को ख़त्म किया और अपना शहीदी जो है वो जम्मू कश्मीर में दी, तो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सुचेतगढ़ और चिकरोई मंडल की यहाँ पूर्व मंत्री चौधरी श्यामला जी के कार्यालय में आज। उधर जोड़िया में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन दिलजीत सिंह चिब, भाजपा मंडल प्रधान मंगाराम सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सब लोग मना रहे हैं और ख़ास तौर पर जोड़िया में शहीदी स्मारक, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस आंदोलन को लेकर चले थे, इस जोड़िया में 7 लोग शहीद हुए हैं। आज बलिदान दिवस के हम सब लोग यहाँ के मंडल के चेयरमैन हमारे मदन लाल जी म्यूनसिपैलिटी के सारे सरपंच और पूरी टीम जो है बलिदान दिवस पे हम सब लोग यहाँ एकत्रित होके हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर जोड़िया के वो भी हमारे साथ थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है हम सब लोग बलिवंती जानते हैं कि उन्होंने पूरे देश को एक माला में जोड़ने का काम किया। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर वाले और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर जाना पड़ता था तो परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये अपना बलिदान देख करके हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से जोड़ा था। आईआरपी की दूसरी बटालियन द्वारा स्कूली बच्चों के बीच राजौरी में आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। राजौरी के फतेहपुर इलाके में स्थित बटालियन के मुख्यालय में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में राजौरी के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर उन्हें दिए गए विषयों को विभिन्न रंगों के जरिए कैनवस पर उतारा और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बटालियन के कमांडेंट रणदीप कुमार और डिप्टी कमांडेंट खालिद अमीन सहित अन्य अधिकारियों ने इन बच्चों की हौसला अफजाई की। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फतेहपुर में बच्चों का एक इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, हालांकि छुट्टियां पड़ी हुई थी, छुट्टियों के बावजूद भी काफ़ी बच्चों ने यहां पार्टिसिपेट किया है और मेन पर्पस यही था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और यहाँ पर इकट्ठे करके ताकि बच्चे एक दूसरे से मिलें यहाँ पर आके और थोड़ा इनका अवेयरनेस बढ़े और इनको बच्चों को हमने अवेयरनेस भी दी कि जो भी सोशल लेवल्स हैं सोसाइटी में, ताकि उनसे बच्चे दूर रहें और इस टाइप के इवेंट्स जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे इवेंट्स हम करवाते रहेंगे। कश्मीर घाटी में तैनात आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने आज भी जम्मू में अपना धरना प्रदर्शन 23वें दिन जारी रखते हुए उनके लिए पुख्ता ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की मांग की। इन मुलाजिमों के मुताबिक सरकार जब तक ये कदम नहीं उठाती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम पिछले 23 दिन से जहां पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट अभी तक इतने सीरियसली इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही है। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो मेन डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है, जब तक तब तक ये धरना जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी मुलाजम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोई भी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा और हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्डर निकल रहे हैं, किसी को रिलीव कर रहे हैं, किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो हरासमेंट है गवर्नमेंट इस हरासमेंट को बंद करे और डिविजन कमीशन से कश्मीर से एक ऑर्डर निकले कि इनकी कोई सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही इनको डिपार्टमेंटल हरासमेंट होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपनी जब तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं लेती कि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी
के बारे में हमें बताते नहीं है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस योजना के विरोध में जम्मू में आज भूख हड़ताल पर बैठने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन पुलिस ने इस योजना को विफल बनाते हुए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा को कमजोर बनाने की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक अग्निपथ स्कीम लाई गई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के डिफेंस को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, जो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी आज पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठने आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक पे भी मुझे नहीं लगता ये लोग हमें बैठने देंगे, क्योंकि पुलिस को पीछे से डायरेक्शन आ जाती है कि आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है वो रोडों पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज अगर देश में भाजपा किसी से डरी हुई है, वो आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, आम आदमी से डरी हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, 4 साल में एक कांस्टेबल तैयार नहीं होता, और 4 साल में आप रिटायरमेंट दे रहे हैं, आप आर्मी को भी ठेके में दे रहे हैं। एक आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा, हमारा डिफेंस जो है वो देश की सुरक्षा करता है, आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हम किस तरह खिलवाड़ होने दें। उधमपुर से लेकर चिनैनी तक जम्मू श्रीनगर हाईवे की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार की मिलीभगत का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो उधमपुर से चिनैनी तक राजमार्ग है, एक बारिश से ही बंद हो जाता है। जरा सी बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है। 7 वर्षों से वहां काम चल रहा है। दो सालों में सड़क पूरी होने थी, 7 सालों में भी हालत जो है वो बेहतर होने के बजाय बदतर हो चुकी है, और कोई पूछने वाला नहीं है। बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा, ऐसा लगता है एक मिली भगत है NHAI की कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और उनको खुली छूट दी जा रही है, एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन दी जा रही है, और नतीजा ये है कि वहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेट्स रहते हैं, पसियाँ गिर रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही। डिमांड ये करते हैं कि उस सड़क का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, जिन लोगों की वजह से डिले हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से 29 जून को कश्मीर चलो की दी गई कॉल के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। इस सिलसिले में पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने देशभर की इकाइयों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल संवाद कर उनसे इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। और उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है 29 जून को यहाँ से आने के लिए और आगे चलो कश्मीर अभियान का हिस्सा बनने के लिए। उन तमाम लोगों ने, तमाम राज्य इकाइयों ने, तमाम शिव सैनिकों ने पूरा हमारे साथ वादा किया है, और बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर 29 जून को तमाम शिव सैनिक यहाँ पहुँचेंगे। मैं एक बार फिर से आम पब्लिक को और तमाम जो देश भगत हैं, जो राष्ट्रीय भगत हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि 29 जून को हमारे अमरनाथ यात्रियों की हौसला अफजाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वागत के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर, जगती के अंदर इकट्ठे हों, एकत्रित हों। वहां से हम सुबह 11 बजे कश्मीर की तरफ कूच करेंगे और अमरनाथ यात्रियों की हौसला अफजाई के साथ उन आतंकवादी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिन्होंने आतंकवादी संगठनों ने गीदड़ भक्किया दी है, अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का नापाक प्रयास किया जा रहा है। देश के अन्य भागों के साथ साथ जम्मू में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू में पिछले 10 दिनों में कोरोना के 160 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसी वायरल एक्टिविटी जो है कम्युनिटी में शुरू हो गई है,
ये नज़र आता है कि पिछले 10 तारीख के बाद हमारे पास 160 पॉजिटिव केसेस हमने यहाँ पे पाए। कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी पॉजिटिव हो चुके हैं। दो मरीज़ ऐसे आए जो किन्हीं और वजहों से हमारे पास आए। जब उनकी डेथ हुई, एक तो ब्रॉड डेड था वो, मगर रेड पॉजिटिव था। एक यहाँ पे लावारिस थे, अनअटेंडेड पेशेंट थे पॉलीट्रामा के, और सड़क से ही कोई उनको ले आए थे यहाँ पे। हमने उनका पूरा इलाज वगैरह किया, लेकिन ये देखा इंसिडेंटली कि वो रेड पॉजिटिव थे और उनकी डेथ भी हो गई। तो दो मरीज़ों की बेशक प्राइमरीली कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है, लेकिन हम इनको सेकेंडरी डेथ की कम्युनिटी में जो, लेकिन पिछली बार भी मैक्सिमम मरीज़ हमने 43 DRDO में डाले थे, और उसके अलावा हमारा यहाँ का आइसोलेशन वार्ड और उसके बाद CCU जो इंटेंसिव केयर वार्ड्स, ऑलमोस्ट 50 बेड्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन किया गया मरीज़ का कोविड पॉजिटिव का, MCH हॉस्पिटल जो 200 बेडेड है उसमें हमने नॉर्मल एक्टिविटीज़ नॉन कोविड आधा डेडिकेट कर दिया है और आधा कोविड कर दिया था, उसको बायफरकेट किया है फैसिलिटी को, क्योंकि हम उसमें एक नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं MCH में, एक सिक्वेंसिंग लैब कर रहे हैं, ह्यूमन मिल्क बैंक बना रहे हैं, जो एक बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में सुविधाएं होनी चाहिए। मेडिकल सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा की पॉलिसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पॉलिसी के विरोध में जम्मू के GMC के छात्रों ने आज भी प्रदर्शन कर सीटें बढ़ने तक ऑल इंडिया कोटा की इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। इस पूरे मामले पर क्या कहना है छात्रों का, आइए आपको बताते हैं। तुम्हारी परसों की डिमांड थी कि जो एक सरकार की पॉलिसी ऑल इंडिया कोटा की, इसको ये सरकार दोबारा देखे और चीज को भी डेफर किया जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी PG की जो सीट्स हैं वो कम सीट्स हैं हमारे पास। तो अगर ये इस समय पॉलिसी लागू की जाएगी तो हमारे पास जस्ट क्लिनिकल सीट्स 80 ही बचेंगी, तो 80 सीट्स के साथ ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय अंडर ग्रेजुएट्स की जो सीट्स हैं वो सीट्स हमारी 1000 के करीब कर दी गई हैं, लेकिन जो न्यू कॉलेजेस हैं वहाँ पे PG की सीट अब तक नहीं आई हैं। तो हम अपनी सरकार से, हमारी जो सेंटर में हमारे जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाए। हमने कोशिश भी की काफी उनसे मिलने की, बट अपॉइंटमेंट हमारी हो नहीं पाई है। तो हम रिक्वेस्ट उनसे यही करना चाहते हैं कि हम उनके जम्मू के अपने लोग हैं, हमारी इस प्रॉब्लम को देखा जाए, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे ऐसे भी मसले को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर भी आ चुके हैं वो, और हमारे कॉलेज की फैकल्टी भी आ चुके हैं सर वो। तो हम उनसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप इस डिसीजन को देखो, और जब तक हमारी PG की जो सीट्स हैं ये ज्यादा नहीं की जाती तब तक इस डिसीजन को डेफर किया जाए और जो PGs हैं इनकी डिमांड को माना जाए। जम्मू के परेड इलाके में पिछले कई दशकों से स्थापित सब्जी मंडी में अपनी रोजी रोटी कमाने वाले कारोबारी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उनके लिए बनाए गए मसौदे से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रशासन उन्हें 3-4 फीट के खोखे बनाकर देने जा रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। इन लोगों ने प्रशासन से उन्हें स्थायी शेड बनाकर देने की मांग की है, ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सकें। वहीं इस मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी इन कारोबारियों ने जम्मू नगर निगम पर सवालिया निशान लगाए हैं। हम ये चाहते हैं अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो स्मार्ट सिटी की तरह ही इसको बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। ये हमारे से किराया ले रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में छत डाला हुआ है ऐसे ये छत डाल दें, जैसे लोग बैठे हैं उनको बैठने दें, सफाई वगैरह रोज होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसको स्मार्ट सिटी को तरह इसको तरीका बनाएं। मगर ये कहाँ स्मार्ट सिटी, ये 2x2 का 3x3 का खोखा बना कर दे रहे हैं, वो कहाँ हुई स्मार्ट सिटी, वो तो एक जेल में बंद करने के लिए हो गया ना। हम म्यूनसिपैलिटी से चाहते हैं, ये देखिए दुकाने के ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके जो क्वार्टर हैं वो पीपल देखो कितने कितने बड़े हो गए, इनको कम से कम रिपेयर तो करो पहले, रिपेयर करो फिर हम छाने पिछाने आपके साथ साथ देंगे। मगर इन्होंने जब से बनी हुई है तब से इन्होंने देखा ही नहीं आज दिन तक, 100 साल पुरानी मंडी है ये देखिए, पीपल वगैरह ये दुकाने के ऊपर छत नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं म्यूनसिपैलिटी ने अपने से लगाया। जम्मू के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ में स्थित गौशाला में रखे गए गोवंशों की हालत बेहद खराब है। गौशाला में सुविधा न होने के कारण यहां रखे गए गोवंश चारे के लिए तरस रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग गोवंशों की देखरेख के लिए गौशाला प्रबंधकों का सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से मदद न होने के कारण गोवंशों की देखरेख में प्रबंधन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस गौशाला में रखे गए गोवंशों को नगरोटा के नोग्रा में बनाई गई गौशाला में शिफ्ट करने की मांग की है। 15 दिन पहले मैंने जब यहाँ से जा रहा था तो देखा काफ़ी यहाँ पे हालत ख़राब थी, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इनको, गाय की कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। तो हम जो युवा थे यहाँ के, हमने सोचा कुछ करना चाहिए यहाँ पे, काफ़ी लोग कर रहे हैं तो हम भी आगे आए, लेकिन सर चक्कर ये है कि मतलब
गाय की कंडीशन काफी खराब है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कुछ इनके लिए सुनिश्चित करे। पुलिस तो यहाँ पे लेके आती है लेकिन उसके बाद आगे इनको देखने वाला कोई नहीं है, तो हमारा तो मतलब योगदान है ही, साथ में गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो हमने देखा कि वहाँ पे नगरोटा की तरफ कुछ गौशाला खुली है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इनको जल्द से जल्द वहाँ पे शिफ्ट करे, क्योंकि हमारे सामने से गाय मर रही है और हम गोरक्षक ऐसे नहीं कहलाए जाते। हम मतलब कुछ करेंगे तो तभी कुछ होगा ना सर। कि ये कितनी बड़ी समस्या है पूरे राष्ट्र में इस समय, जब तक हम इस समस्या को ही सिर्फ सोचते रहेंगे और समाधान पर नहीं विचार करें, तब तक गौ माता की समस्या, गौ धन की समस्या देश में से हटेगी नहीं। कैसे? गौ धन की समस्या सीधी जुड़ी हुई है अर्थतंत्र से, इकोनॉमी से। जो इसको काटने के लिए ले जाते हैं तस्कर, वो इसमें से पैसा निकालते हैं। और हिंदू या कोई भी समाज का अंग जब गौ माता या गौ धन उनके लिए दूध नहीं देता तो वो उसको छोड़ देते हैं। इसका सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगा कि यदि हम इससे इकोनॉमी से जोड़ के गौ से, गाय के गोबर और गौमूत्र से औषधि और उसका प्रोजेक्ट बना के पर्टिकुलर तरह से कहीं पायलट प्लांट खड़ा ना करें, और जो सफल मेरे पास है उसकी एक योजना है, तब तक ये बचाया नहीं जा सकता। और बचेगा कैसे? अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो। वहाँ शिफ्ट करना एक अलग प्रॉब्लम है, वहाँ क्या सॉल्यूशन है? पहले यहीं आप सॉल्यूशन शुरू करो ना, यहीं खड़ा है शिफ्टिंग समस्या का। यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे पक्का करके यहाँ पे इनके लिए चारे का प्रबंध हो, इनके लिए पानी का प्रबंध हो, बीमार हैं तो डॉक्टर का प्रबंध हो। हम क्या इंसान, आत्मा मर गई क्या हम सबकी? ये शहर क्या इतना बिल्कुल निर्दयी हो चुका क्या? क्या किसको पता नहीं अधिकारियों को? पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है लेकिन सॉल्यूशन उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्रवाई देखें या गाय को बचाएं। गाय को बचा सकता है समाज, और जब तक समाज इस बारे में चिंतित नहीं होगा गोमाता या गोमंश नहीं बचेगा। यहाँ पे जो गाय रखी गई है, यहाँ पे अभी लगभग मान के चलो कि 100 के लगभग गौधन है, जो कि पिछले 16 महीना से जो कि जम्मू में जो तस्करी होती है, तस्करी के माध्यम से पुलिस इन गाय को पकड़ती है, जो कि श्रीनगर जाती हैं, उनको पकड़ने के बाद इनको हैंडओवर किया जाता है। और ये यहाँ पे लगभग 150 के लगभग गाय थी, और पिछले 16 महीने से क्योंकि जहाँ स्थान बहुत कम है, व्यवस्थाएं उतनी है नहीं है यहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसमें से बहुत सी गाय बीमार हो रही हैं यहाँ पे। तो ये सारी व्यवस्था के लिए जो युवा हैं अभी यहाँ पे इनके चारे की व्यवस्था करते हैं। हमारा निवेदन था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि जो नगरोटा में 5 ग्राम में गौशाला बनी है, वहाँ पे शेड का निर्माण हो चुका है, वहाँ पे बहुत सी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि ये जो गौ धन है इसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और इनकी ताकि सुरक्षा की जाए, क्योंकि बरसात है और ये बिल्कुल नाले के पास का क्षेत्र है। जब बरसात होती है पानी आता है, यहाँ 5-5 फीट पानी हो जाता है, जिससे ये सारा क्षेत्र पानी में डूब जाता है और गौ माता जितनी भी है ये बीमार हो जाती है। एक जगह हम कटरे से गाय को बचा रहे हैं, दूसरी तरह जहाँ गाय को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जम्मू शहर की हरी मार्केट में यात्रियों के लिए बनाई गई वाटिका अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। वाटिका की इस खस्ता हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से वाटिका की हालत खराब है, लेकिन कोई भी इसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक वाटिका के साथ एक शौचालय भी था जो 2 वर्ष पहले हुई बारिश के दौरान गिर गया था, लेकिन आज तक जम्मू नगर निगम ने उसका निर्माण नहीं किया, जिससे स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आपने वाटिका का देखा, ये वाटिका का इतना मतलब खस्ता हालत है, एक नंबर। दूसरा दिन सर, इधर आए दिन मतलब दिन में हमारे पास 200-300 लोग ऐसे आते हैं जो मंदिर के लिए रास्ता पूछते हैं कि मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है, तो ना इधर कोई इन्होंने बोर्ड कोई साइन बोर्ड लगाया हुआ है। देखिए उससे तो मैं शर्मसार की बात से समझता हूँ, सामने बिल्कुल आपने देखना कैमरा करके उस साइड की वाइन शॉप का बोर्ड बड़ा करके लगा दिए, चलो उनकी दुकानदारी हम भी कहते, मगर एक कम से कम इनको बोर्ड लगाना चाहिए कि लोगों को एक रास्ता हो कि उस पास तरफ जाना हमने। दूसरा तीसरा सर ऐसा है कि इस साइड बाथरूम था, जब ये गिरी थी ना, ये फंडिशन इसकी गिरी थी, इधर बाथरूम होता था। बाथरूम को मार्केट वालों को इतनी परेशानी है, चलो जेंट्स लोग तो कहीं इक्का दुक्का आगे जाके कहीं कर लेते हैं साइड पे, लेडीज़ को इतनी परेशानी है, लेडीज़ पूछती हैं कि सर बाथरूम कहाँ पे है। और ये टूरिस्ट बाजार है, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, आपने देखा ये कैमरे के माध्यम से कि कितना इधर बुरी हालत है। तो मैं एक सोई हुई ये सरकार जो भी इनकी एजेंसी है, मैं इनको अनुरोध करता हूँ अपने सभी भाइयों की तरफ से कि ऐसी जो खास करके ऐसा बिहार जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इनको इन्होंने देखभाल करनी चाहिए। जम्मू शहर को ये स्मार्ट सिटी तो बनाने जा रहे हैं, ये हाल ही में इन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी का बोर्ड भी लगाया है बस स्टैंड के अंदर, और उसके सामने ही ये वाटिका है जो हरी मार्केट को रास्ता जाता है,
और इसके पक्खे भी खराब पड़े हुए हैं और वाटिका सारी टूटी पड़ी है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इनको ठीक कराना चाहिए और इसकी और देखरेख होनी चाहिए जो कि अभी तक इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। तो जो यात्री आएंगे वो क्या प्रभाव लेके जाएंगे, मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, LG साहब के आगे और जो म्यूनसिपल्टी है उनके आगे भी ये अपील करना चाहूँगा, इसकी जो जो ये वाटिका है इस ओर ध्यान दिया जाए, इसकी साफ़ सफाई की जाए, जो इसका काम रुका पड़ा है उसको क्लियर किया जाए और जो भी कुर्सियाँ और लगनी है वो लगाई जाए ताकि यात्री जो बाहर से आए वो जहाँ से आराम कर सके और बैठ सके और जम्मू का नज़ारा इसमें देख सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।